क्या मार्केट में कोई ऐसे सोलर पैनल भी आ चुके हैं जो कि रात को भी बिजली बना के हमारे घर का लोड चला सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कि पिछले कुछ अरसे में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, खासकर जिन्होंने पहली दफ़ा अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना है। उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि हमारे घर में जो सोलर सिस्टम आपने लगाना है उसके अंदर पैनल्स आपने वो इस्तेमाल करने हैं जो कि रात को भी बिजली बना के हमारे घर का लोड चलाएं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सोलर पैनल की हकीकत आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि रात को काम करती है, मार्केट में कौन से पैनल हैं जो रात को काम करते हैं। ये सारी तफसील आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आपने इंटरनेट पर देखा होगा काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर, काफ़ी सारे फेसबुक पेजेस के अंदर इस चीज़ को बड़ा जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है कि जी ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ गई है जो कि रात को भी बिजली बना के आपका घर का लोड चला सकती है। मैं आपको यहाँ पर शुरू में चीज़ बता दूँ कि ऐसे सोलर पैनल अभी तक अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, तो क्या पूरी दुनिया में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है जो कि आपको रात को भी बिजली बना के आपके घर का लोड चला सके। अब सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी है वो काम इस तरह करती है कि उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़नी है, धूप पड़नी है, उसके बाद जाके उसने उस सूरज की रोशनी को बिजली के अंदर कन्वर्ट करना है। और अगर बात करें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सोलर पैनल्स की, उसके अंदर आपको डबल ग्लास बाईफिशियल सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं जो कि दिन के टाइम भी काम करते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको नॉर्मल पैनल से ज़्यादा मिलती है। उसकी वजह यह है कि उसकी बैक साइड पर भी ग्लास होता है, तो जो सूरज की रोशनी उसके फ्रंट साइड के ऊपर पड़ रही होती है वो जब आसपास के सर्वर्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर उसकी बैक साइड पर भी पैनल्स के ऊपर पड़ती है तो उससे पैनल्स की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। वहाँ अगर हम इन्हीं पैनल्स की परफॉर्मेंस को रात में अगर टेस्ट करना चाहें तो रात को जिस तरह की आपको पता है कि कई दफ़ा चाँद की जो रोशनी है वो बिल्कुल हल्की हल्की रोशनी होती है, और इसके अलावा अगर आपके सोलर पैनल्स के सामने कोई 1000 वाट का 500 वाट का कोई बल्ब लगा हुआ है तो होता ये कि आपके सोलर पैनल जो है वो उस हल्की सी रोशनी से कुछ ना कुछ वोल्टेज बना रहे होते हैं लेकिन कोई भी अम्पेयर या करंट उसका नहीं बन रहा होता। आपका वो जो अगर 10 किलोवाट का सिस्टम है, 5 किलोवाट का सिस्टम है तो रात को चांद की रोशनी में वो इतना भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा पावर के जिससे आपका एक छोटा LED बल्ब भी चल सके। दूसरी जानब एक ये सवाल भी उठता है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है या ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है जो कि रात को भी बिजली बनाने की सलाहियत रखती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो आपने देखा कि दुनिया के अंदर कितनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो लेबॉरेटरीज के अंदर जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, वो किस तरह काम करती है उसकी मैं आपको जो एग्जांपल है वो एक सिंपल सी मिसाल से दूंगा कि जिस तरह के आपने देखा है कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे पेल्टियर मॉड्यूल, 12 वोल्ट से 24 वोल्ट का एक छोटी सी इस तरह की आपको प्लेट देखने को मिलेगी जिसको पेल्टियर मॉड्यूल कहते हैं। इसको जब आप 12 वोल्ट या 24 वोल्ट देंगे तो ये जो प्लेट होती है ये एक साइड से गर्म होना शुरू हो जाती है और एक साइड से जो ठंडा होना शुरू हो जाती है। तो इसको जो छोटे कूलिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है और काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर जिस तरह एयर कूलर वगैरह हो गए वहाँ पर पानी को ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पेल्टियर मॉड्यूल की टेक्नोलॉजी है सेम इस तरह की टेक्नोलॉजी है, अगर हम इसको रिवर्स कर दें यानी कि जहाँ पर हम इसको बिजली दे रहे हैं 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का करंट दे रहे हैं उसकी एक साइड गर्म हो रही है और एक साइड इसकी जो है वो ठंडी हो रही है, वहीं पर अगर हम इस प्लेट की एक साइड जहाँ पर जहाँ से गर्मी निकल रही है वहाँ अगर हम हीट दें और जो दूसरी साइड जहाँ पर इसकी कूलिंग निकलती है वहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा ठंडा करें तो जो ये बिजली जो है यूज़ कर रहा है वो ये बिजली बनाना शुरू कर देगा। आपने देखा जो सूरज की रोशनी है वो सारा दिन ज़मीन के ऊपर पड़ रही होती है और ज़मीन जो है उससे गर्म हो रही होती है, उस हीट को जो है वो अब्जॉर्ब कर रही होती है, अपने अंदर जज्ब कर रही होती है। जैसे ही रात होती है तो रात होते सारी आपकी जो आबो हवा है वो ठंडी हो जाती है यानी कि इन्वायरमेंट आपका ठंडा हो जाता है लेकिन जो ज़मीन होती है वो उस हीट को उस हरारत को जो सारा दिन उसने जज्ब की होती है उसको वो खारिज करना शुरू कर देती है। तो साइंसदान जो है वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो कि पेल्टियर मॉड्यूल की टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करते हुए ये जो हीट और कूलिंग का जो ये सिस्टम है इसको यूज़ करते हुए बिजली बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ सिर्फ लेबॉरेटरी के अंदर टेस्टिंग के ऊपर जारी है। एक पेल्टियर मॉड्यूल जो है वो तकरीबन इस साइज़ का होता है, आपके हाथ में इजीली आ जाता है, 4 से 5 इंच का साइज़ होता है। और इसको अगर हम कंपेयर करें ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर की जो टेक्नोलॉजी है इसके साथ, तो अगर एक 10x10 फीट की अगर आपकी छत है तो उस छत की साइज़ की अगर एक प्लेट हो जिसके ऊपर अभी लेबॉरेटरी में सिर्फ जो है टेस्टिंग हो रही है, तो अगर उस साइज़ की अगर एक प्लेट कोई बनाया जाए इस टेक्नोलॉजी के साथ और उसको जो रात को ज़मीन से निकलने वाली हरारत वो एक साइड में उसको दी जाए और बाकी इन्वायरमेंट के अंदर जो हवा के अंदर उसके अंदर कूलिंग होती है उसके ज़रिए उसको अगर बिजली बनाने की कोशिश की जाए तो एक 10x10 फीट की जो प्लेट होती है वो आपके चंद मिली एम्पीयर से बना सकेगी जो कि आपके ये एक जो आपके पास कैलकुलेटर होता है इसके अंदर जो सेल लगा होता है उससे भी कम बिजली होगी। यानी कि 10x10 फीट की प्लेट इतनी बिजली भी नहीं बना सकती जिससे आपका एक कैलकुलेटर चल सके। बाकी जिस तरह सोलर पैनल्स की टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ दिन को ही काम करती है, आप सोलर पैनल से बिजली बनाकर दिन के टाइम अपने घर का लोड भी चला सकते हैं,
उस बिजली को आप बैटरी में स्टोर भी कर सकते हैं, उस बैटरी को आप रात को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 12 वोल्ट का एक पंखा है, आप एक 100 एम्पीयर की बैटरी लें, 150 वाट की आप दो सोलर प्लेट लें, उस बैटरी के साथ आप अटैच करें, सारा दिन आपका पंखा सोलर के ऊपर चलता रहेगा, साथ में आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो रात को वही पंखा आपका बैटरी के ऊपर चल जाएगा। इसी तरह अगर बात करें जो बड़े सोलर सिस्टम होते हैं 10 किलोवाट के, 20 किलोवाट के, जिसके अंदर नेट मीटिंग होती है, तो वो सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं कि सारा दिन बिजली बना के सोलर से आपके घर का लोड भी चलाते हैं, आपके जो है बैटरीज वगैरह भी चार्ज करते हैं, और जो एक्स्ट्रा बिजली बनाते हैं वो नेट मीटिंग के जरिए वापडा को एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर वही यूनिट जो उसने दिन को एक्सपोर्ट किए थे वो रात को आप उसको यूज़ कर लेते हैं। तो एक तरह से आपका सोलर सिस्टम आपको जो बिजली बना के दे रहा होता है वो आप उस बनाई हुई बिजली को दिन को भी यूज़ कर सकते हैं, रात को भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो रात को सोलर पैनल बिजली बना रहे हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि रात को सोलर पैनल बिजली बनाते हैं, सोलर पैनल सिर्फ दिन को भी बिजली बनाते हैं। हाँ, इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन वो बहुत बड़े साइज़ की प्लेट अगर आप करें तो वो बिजली इतनी नहीं बना सकती जिससे आपका कैलकुलेटर भी चल जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने मेज़बान अदनान शीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।